हेलो माय फैमिली, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो ये है हमारी यामा फुसिनो मैट ब्लू कलर। तो जैसे कि आप टाइटल और थंबनेल से देख लिया होगा, हम अप्लाई करने वाले हैं कॉस्मोस पेंट क्लियर लैक्वर स्प्रे, या फिर कह लो आप क्लियर पेंट, या फिर कह लो आप पीयू कोटिंग स्प्रे, जिसको कई अलग अलग नाम है भाई इसके। तो ये मैंने ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से। इसकी जो क्वान्टिटी है वो है 200 ml। अरे फोकस हो जाए यार, एक मिनट रुकना भाई। इसकी जो क्वांटिटी है वो 200 ml, और इसका जो प्राइस है मेरे को पड़ा है विद डिलीवरी चार्जेस वो है 230 rupees, लेकिन एग्जैक्टली प्राइस इसका जो है मिटा दिया गया है। अगर आपके आसपास जो अवेलेबल हो पाता है तो आप वहीं से ले लो, क्योंकि वो ये डिलीवरी करता है कोई बंदा ऑनलाइन, तो वो उसको अगर आप ऑर्डर कैंसिल करते हो तो अपना तो फ्री है लेकिन उसका तो चार्ज लगता है। तो वही है, वो आने का भेजने का भी और वापस रिटर्न करने का भी, दोनों डिलीवरी चार्जेस जोड़ के जो है आपको करते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मेरी स्कूटी का जो कलर है वो है मैट ब्लू कलर, मतलब ये शाइन वाला कलर नहीं है, और आप पूरी स्कूटी का शाइन वाला कलर नहीं है। और इस स्प्रे को अप्लाई करने के बाद अपनी जो स्कूटी का कलर है उसमें अपनी शाइन आ जाएगी, एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ जाएगी। इसका जो है नुकसान ये रहेगा, आप उस जगह पर अप्लाई मत कीजिएगा जहाँ पर जो है पेट्रोल लगने के चांसेस हों, क्योंकि पेट्रोल लगने के बाद जो है रिमूव हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको अप्लाई करने वाला हूँ, हालांकि मैं अप्लाई कर चुका हूँ, मैं इंट्रो बाद में बना रहा हूँ। तो मैंने इसको जो अप्लाई किया था अपने दोनों साइड पैनल्स पर और एक इस वाले पैनल पर, तो ये 200 ml में ये वाला पैनल तो अच्छे से कोट हो गया, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की कमी रह गई पहली बार जो अप्लाई किया था। अगली बार जब मैं इसको ऑर्डर करूंगा तो मेरे को पूरी स्कूटी पर अप्लाई करने के लिए लगभग 3-4 स्प्रे कम से कम लगेंगे, तो फिर बाद में मैं इसको अच्छे से कोट कर दूंगा। ये वाला पैनल है ना, पैनल ये हल्का सा यहाँ से टूटा भी हुआ था और यहाँ से भी, तो मेरा ऐसा कुछ मन भी नहीं था, लेकिन इसको जो है ये भी अच्छे से कोट हो गया। तो प्रोसेस एक बार आप देख लीजिए कैसे कुछ इसको कोट करना है, और कोट करने के लिए मैं बता दूं, अपने पैनल अच्छे से निकाल लीजिएगा, ऐसे जो भी क्रोम के पार्ट हैं उसको आप पहले ही रिमूव कर लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको पेंटेड पार्ट्स पर इसको अप्लाई करना है। तो एक बार प्रोसेस देख लीजिए, फिर मैं आपको जो है लास्ट में मिलता हूँ। स्प्रे को अप्लाई करने से पहले अपनी सरफेस पर को, अपनी सरफेस जिस पर भी आप अप्लाई कर रहे हो उसको अच्छे से सोपी वाटर से क्लीन कर लेना, क्योंकि कोई ऑयल कंटेमिनेट्स या फिर डस्ट वगैरह इस पर नहीं रहनी चाहिए, वरना जो है अच्छी फिनिश नहीं आएगी। हल्की सी मिट्टी लग गई है तो मैं भी इसको जो है साफ कर देता हूँ। और इसको अप्लाई कैसे करना है, एक जगह पर आपको इसको रखना नहीं है, आप जब भी इसको ऐसे स्प्रे करो तो ऐसे ऐसे इस मूवमेंट में आपको स्प्रे करना है। अगर आप एक जगह रखोगे तो वहाँ पर जो है पेंट का जो है, पेंट तो नहीं लेकिन फिर भी जो कोटिंग का जो निशान हो जाएगा। तो देखते हैं कैसा कुछ जो इसका मेरा भी रिव्यू है, पहली बार इसको ट्राई कर रहा हूँ। मैंने जो है पैनल पर अच्छे से कोटिंग कर दी है, तो मैं ये बताना भूल गया कि आपको जो है लगभग इतने डिस्टेंस पर जो है, मतलब आपको इसको कोट करना है। अगर आप पास से करोगे, हालांकि मैंने दूर से ही किया, लेकिन आप फिर भी देख सकते हो इस पर जो है ऐसे निशान हो गए हैं। अब ये सूखने के बाद कैसा लगेगा वो मेरे को भी नहीं पता। तो दूसरे पैनल पर जो है अप्लाई करते टाइम ये ख़त्म हो गया, तो मतलब अगर आपको पूरी स्कूटी पर इसको अप्लाई करना है तो लगभग आपको जो है 3-4 स्प्रे लगेंगे। और जब ये आखिरी पैनल पर मैं स्प्रे कर रहा था तो जो है कि क्योंकि स्प्रे ख़त्म हो चुका था, मेरे को पास से थोड़ा अप्लाई करना पड़ा, तो उसके कारण ये आप देखो, तो अगर आपको दिखे तो ये इस टाइप का कुछ निशान इस पर हो गया। लेकिन फ़िलहाल के लिए इसको जो है धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं। एक बात मैं बता दूँ, शाइन काफ़ी ज़बरदस्त हो गई है, क्योंकि अगर आपको दिख नहीं रहा हो कैमरे में तो जो है बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि कंपनी से जो शाइन वाला पेंट आया है। तो फिलहाल के लिए तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको जो है ये ख़रीदना है तो आप ख़रीद सकते हो, शाइन काफ़ी इसकी बेहतरीन है। लेकिन थोड़ा सा रिव्यू मैं इसको सूखने के बाद बताऊँगा कि आपको जो है अंदर ले जाके फिर दिखाता हूँ कैसे कुछ जिसमें शाइन आ रही है।
ने प्रोसेस देखा तो उसमें उन्होंने बताया था कि स्टार्टिंग में इसमें जो है ना ऐसे निशान से गड्ढे से हो गए हैं पेंट में, लेकिन जब मैंने इसको जो है धूप में रखा तो वो एकदम से इवन हो गए। हालांकि दिख तो अभी भी रहे हैं लेकिन नेचुरल है, मतलब नेचुरल जैसे अपनी कंपनी से बाइक स्कूटी पेंटेड होके आती है वैसा ही दिख रहा है। तो अभी के लिए आप ये देख लो, मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही जो यही देख लो फिलहाल, आपको कितनी जो शाइन दिख रही है कलर में, ये शाइन वैसी है जब हम जो है किसी मैट कलर पे जो है लेमिनेशन कराते हैं, बिल्कुल डिट्टो वैसी है, इवन उससे भी ज़्यादा अच्छी है। तो इसका जो है काफ़ी फ़ायदा है, एक जो है मतलब ऐसा लग रहा है कुछ रबर पेंट इस पर हमने अप्लाई कर दिया है। तो भाई शाइन मैं इस पैनल की दिखा दूँ, अगर आपको उस साइड से अच्छे से नहीं दिख रही है तो ये देख लो भाई, इस साइड से भी मतलब आपको जो है हाथ हिला रहा हूँ तो पेंट जो है सरफेस पे दिख रहा है, और ये मैट पैनल थे दोनों की दोनों भाई, तो भाई शाइन काफ़ी ज़बरदस्त है। मैं इसको हाईली रेकमेंड करता हूँ अगर आपको अपनी बाइक स्कूटर पे अप्लाई करना है। एक चीज़ ज़रूर से ध्यान रखिएगा, जब आप इसको जो है धूप में सुखा रहे होंगे तो जो है पैनल को अच्छे से अंदर ले जाके फैन की हवा में ठंडा होने दें, क्योंकि जब मैंने इसको पैनल को पकड़ा तो उठाया तो यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट के निशान हो गए हैं, आप देख पा रहे हो शायद से, एक मिनट रुकना भाई। तो मैंने इसको जो है कपड़े से रिमूव किया तो यहाँ पर स्क्रैचेस हो गए, तो पैनल को अच्छे से ठंडा होने दीजिए और अच्छे से एक दो घंटा छोड़ दीजिए, क्योंकि फिंगरप्रिंट के निशान आ जाएंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो हाँ ठीक है भाई, कॉस्मोस पेंट क्लियर लैक्वर स्प्रे, क्लियर कोटिंग स्प्रे ठीक है, अच्छा है। मैं इसको 10 में से 9 मार्क्स देना चाहूँगा, हल्का फुल्का। यार देखो एक चीज़ मेरे एक दो चीज़ मेरे को इसमें अच्छी नहीं लगी, कि इसमें हल्के से देखो ये डॉट डॉट से कुछ ना कुछ निशान हो जा रहा है। ये मेरे को इसलिए लग रहा है क्योंकि खुला माहौल था, खुला जो अगर आप बंद कमरे में करोगे तो वही है कि गैस, कोई मास्क वगैरह पहन के करो, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि बंद कमरे में करो और कोई मिट्टी वगैरह ना उड़े, तो आपका जो ये क्लियर लैक्वर स्प्रे है, क्लियर पेंट या फिर कह लो पीयू कोटिंग काफ़ी अच्छी आपको शाइन देने वाली है। तो हाँ भाई 230 रुपये वसूल हो गए, तो अगली बार जब हम मंगाएंगे तो दोनों साइड पैनल पर मैं फिर से अच्छे से कर दूंगा। ये पैनल तो फिर भी नया मंगवाना तो इसको छोड़ ही देंगे, अपना ये वाला वाइजर फ्रंट पैनल मडगार्ड सबको अच्छे से क्लीन करके ही उसको अप्लाई कीजिए, कोई ऑयल कंटामिनेट्स नहीं रहनी चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं एक अगली वीडियो में।